जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम लोग जो साइंस एंड टेक्स रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मेस ऑब्जर्वेटरी। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैप मेकिंग देख लेते हैं। मेस ऑब्जर्वेटरी ओवरव्यू इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप इन एशिया लोकेटेड इन लद्दाख। तो लद्दाख के हेल्ले में ही, जहाँ पर लार्जेस्ट, आपने अभी थोड़े से पहले हमने एक टॉपिक देखा था जहाँ पे हेल्ले डार्क स्काई रिजर्व, तो इसी से वही उसी जगह हेल्ले पे ही लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप लगा हुआ है इन एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, लोकेटेड इन लद्दाख। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवांस एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलाब्रेशन, मतलब है कि हाई लेवल का एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च किया जाए जो कि जानकारी दे हमें अंतरिक्ष के बारे में, एंड इंटरनेशनल कोलाब्रेशन किया जाए, जो भी जानकारी मिलती है उस एक दूसरे के लिए कोलाब्रेट करके इसके सहायता लें। नाउ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है मेस ऑब्जर्वेटरी? रिसेंटली द मेस ऑब्जर्वेटरी has been inaugurated by the Secretary of Department of Atomic Energy and Chairman of the Atomic Energy Commission at Henle, Ladakh. तो Henle, Ladakh में जो MESS Observatory जो है inaugurate किया गया, जो Department of Atomic Energy के जो Secretary हैं और Chairman of the Atomic Energy Commission हैं, उनके द्वारा किया गया। About this MESS Observatory, देखा जाए The मेज़र एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट, मेस का फुल फॉर्म है मेज़र एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव ऑब्जर्वेटरी। द मेस ऑब्जर्वेटरी स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप इन एशिया, सबसे बड़ा टेलीस्कोप एशिया का है यहाँ पर। और ये लोकेटेड कहाँ पर, वेयर इट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस? इट इज़ सिचुएटेड एट एन इम्प्रेसिव एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,300 meters means 4.3 kilometer and recognized as Asia's largest and the world's highest, Asia ka sabse bada aur world ka second highest kaha ja sakta hai, world highest imaging Cherenkov observatory, jo telescope jo highest hai, world ka highest Cherenkov observatory yahan lagaya gaya hai. Project ka objective kya hai? What is the objective of this project? The MESS project aims to cultivate international collaborations enhancing India's contribution to space research. और ये इस MESS का जो main इस project का aim जो है कि international collaboration किया जाए, cultivate मतलब अच्छे से किया जाए, और India का contribution space research में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो। It seeks to elevate India's standing in the global scientific community. और ये भारत चाहता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में, विश्व में भारत का एक अलग पहचान हो। कंस्ट्रक्शन एंड द सपोर्ट, द ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये जो ऑब्जर्वेटरी जो बनाया गया है और जो टेलीस्कोप बनाया गया है, ये इंडिजिनसली तैयार किया गया है, इट इज़ बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, बार्क के द्वारा। इट हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हैदराबाद में सिचुएटेड उसके साथ भी है, एंड अलॉन्ग विद वेरियस इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर दिस हेनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक प्रकार एक जो बनाया मेस ऑब्जर्वेटरी तैयार किया गया है। द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, मेस विल सिग्निफिकेंटली एड द साइंटिफिक कम्युनिटी इन डीपनिंग इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जो मेस विल सिग्निफिकेंटली, जो बहुत ज़्यादा ये जो ऑब्जर्वेटरी है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा साइंटिफिक कम्युनिटी में बाय डीपनिंग इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जो उनके अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगा रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स, जो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स फिजिक्स है, जो स्पेस के बारे में जानकारी मिलेगी तो और ज़्यादा पता चलेगा, और फंडामेंटल फिजिक्स के साथ में भी।
द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन मैकेनिज्म आल्सो पार्टिकल एक्सेलरेशन मैकेनिज्म को भी हेल्प करेगा दिस मेस। मेस का फुल फॉर्म आपको याद होगा कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट एंड द टेलीस्कोप द मेस टेलीस्कोप इज डिजाइन टू ऑब्जर्व हाई एनर्जी गामा रेज और इसको बनाया भी जो गया है कि जो स्पेस की जो हाई एनर्जी गामा रेज है उसको भी ऑब्जर्व कर सके। दिस ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल एफर्ट्स एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग हाई एनर्जी कॉस्मिक इवेंट्स सच एज द दिस ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है यहाँ ये कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स में भी एंड एम्ड एंड अंडरस्टैंडिंग हाई एनर्जी कॉस्मिक इवेंट जैसे सुपरनोवा जो एक बहुत बड़ा जो स्टार होता है जो बहुत बड़ा स्टार होता है जब वो एक्सप्लोड करता है तो सुपरनोवा के लिए जाता है और बाद में न्यूट्रॉन स्टार वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है। एंड ब्लैक होल्स भी उसी से रिलेटेड है जो कि बहुत डीपनिंग नॉलेज है इसके लिए आने वाले समय में मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में इसमें जानकारी दूंगा। गामा रेज बर्स्ट को लेकर सुपरनोवा ब्लैक होल्स गामा रेज एंड डिफरेंट अदर एस्ट्रोफिजिक्स के जानने के लिए हेल्प करेगा। इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा व्हाट वुड बी द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मेस प्लेज अ क्रूशियल रोल नॉट ओनली इन एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च तो ये बहुत क्रूशियल रोल करेगा केवल साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने में नहीं बट ऑल्सो इन फॉस्टरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस रीजन के लिए सोशियो इकोनॉमिक रीजन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा इन द लद्दाख रीजन। तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ बढ़ाने में वहाँ पे लद्दाख के आसपास के रीजन में सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी काम आएगा जॉब क्रिएट करेगा।